तो देखिए प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है, प्रेशर सबसे ज्यादा तो वॉल्यूम सबसे फीलिंग में मत आ जाना है। कौन है वॉल्यूम बढ़ने का घटने का है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर और टेम्परेचर। तो यहाँ प्रेशर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ वॉल्यूम सबसे कम होगा। आप पी बी इक्वल NRT या बॉयल्स के लॉ को भी याद कर सकते थे, यहाँ पर ऐसे याद कर सकते थे, बॉयल्स लॉ से या पी बी इक्वल NRT से भी आप ये बना सकते थे। तो आप देखिए पी ओ बी ओ भी का रिलेशन किया जा रहा है आपका, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा यहाँ है तो वॉल्यूम सबसे कम यहाँ होगा, प्रेशर सबसे कम यहाँ है तो यहाँ वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। तो V1, V2, सर इसके लिए टेम्परेचर सेम होना चाहिए। हाँ टेम्परेचर सेम होना चाहिए, V1, V2, V3, V4। ये हो गया बच्चों आपका बॉयल्स का लॉ। अब हम आते हैं इन सभी गैस लॉ को जब आप मिला दोगे तो एक परमानेंट इक्वेशन आता है, और वो इक्वेशन कहलाता है आइडियल गैस इक्वेशन। तो डालिए हेडिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम चाहते हैं कि ये कोरोना वोना फिर से ना आए, बड़ी मुश्किल से तो ज़िंदगी अच्छी हुई है, फिर से आ जाएगा, फिर से पैक हो जाएंगे। बस मज़ा किसके लिए है, जीनत के लिए, दिन रात सो, आनंद ही आनंद। हाँ बोरिंग तो लगेगी, जब तो महीना महीना भर सो हो तो बोरिंग कैसे ना लगे, नात भी ना हुई है जब अभी। वो तो कह रहा हूँ अभी भी नहीं नात, कोई ठंड है आ रहा रहा रहा, ठंड में नहाने नहीं पड़ा था। नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, आप देख लें आपको किस में कंफर्ट फील होता है, अगर आपको ठंडे में फील होता है तो ठंडे में ना लें, बहादुर बनने के चक्कर में नहीं कि हम ठंडे से ना। नहीं सर ठंडे से ना लें तो शरीर में गर्मी रहती है सर। ओह माय गॉड, दोनों का फायदा, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ती नहाने के लिए बस। जिससे भी जिसको पसंद हो वो अपनी सुविधा के अनुसार नहा सकता है, लेकिन कोरोना में सबसे ज़्यादा फायदा जीनत नैन्सी अभी लेकिन नैन्सी मेहनती तो है, स्कूल में भी लिखती रहती है अपना। अनुष्का फायदा, तुम भी तो 11-12 बजे सो के उठने वाले हो, तो कुल मिला के इसका नाम क्या था, कलयुग में एक कुंभकर्ण, तो वर्तमान में कई कुंभकर्ण हैं। त्रेता में एक कुंभ, हाँ कलयुग तो अभी आओ ही नहीं है, अबे नहीं आओ पूरी तरीके से। जब आदमी साल साल भर सो है, अबे कलयुग आओ है आधो, अबे जे रिकॉर्ड बना रही है 12 बजे कोई चाहता है, 30-40 साल तक बुला दो तुम कलयुग। सर आप नाम क्या बोल रहे हैं, नॉन आइडियल गैस इक्वेशन। तो तुम लोग, तुम ही लोग तो नहीं ला रहे कोरोना वापस, चलिए आइडियल गैस सिचुएशन। नहीं हम रियलिटी में पूछ रहे, तुम लोगों को मजा आया जब छुट्टियां पड़ जाती हैं, तुम्हें तो 2-4 दिन फिर नहीं लगेगा, फिर लगेगा बोरिंग बोरिंग सा आइडियल गैस। हालांकि हमें छुट्टियां पड़े या ना पड़े हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती, हम ऑनलाइन पढ़ा देंगे, हम अपना पढ़ते रहेंगे, हमारे पास काफ़ी सारी बुक्स हैं, कहीं से ले आएंगे 2-4 बुक्स और बस मज़ा, आनंद ही आनंद, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें दिक्कत नहीं है, मम्मी पापा संगे खेलना चालू कर देते हैं हम लोग तो, हम तो हाँ ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ऑनलाइन खेल लेते हैं भैया संगे, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ लेकिन न्यूज हमने फिर सुनना बिल्कुल बंद कर दी थी, हमें दिन बहुत ख़राब न्यूज मिलती थी, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, तब हाँ तो फिर हमने न्यूज, हमने न्यूज़ चैनल सुनना ही बंद कर दिया, हमने कहा हटाओ में नहीं सुनना है न्यूज उज। डाली हेडिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं पी वी इक्वल NRT, ठीक है इसको प्रूव करेंगे हम। देखिए द इक्वेशन, द इक्वेशन which shows so
रिलेशन बिटवीन प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम एंड मोल द इक्वेशन दिस शोज रिलेशन बिटवीन प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम एंड मोल ऑफ अ गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन देखिए इस इक्वेशन से आप किसी भी चीज पर रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। आप प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम मोल का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर मोल का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। मतलब हर एक रिलेशन को आप इससे क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। इवन डेंसिटी ऑफ गैस कैन ऑल्सो फाइंड, क्योंकि वॉल्यूम पता कर लेंगे तो डेंसिटी पता चल जाएगी। वॉल्यूम कम आएगा तो डेंसिटी ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा आएगा तो डेंसिटी कम। प्रेशर से भी डेंसिटी पता कर सकते हो, प्रेशर ज़्यादा है तो डेंसिटी ज़्यादा, प्रेशर कम तो डेंसिटी कम, ठीक है ना। तो अब हम आइडियल गैस इक्वेशन को ला रहे हैं आपके सामने, वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे हम फ्रॉम बॉयल्स लॉ, हम जानते हैं बॉयल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, है ना। दिस इज द बॉयल्स लॉ। और आपको पता है अब यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब हम लिखते हैं आपका चार्ल्स लॉ, फ्रॉम चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, उतना ही ज़्यादा गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी जितना ज़्यादा क्या होगा, और इस समय प्रेशर क्या हो जाएगा, पी विल बी कॉन्स्टेंट। थर्ड देखिए एवोगैड्रोज लॉ, देखिए तो एवोगैड्रो क्या कहता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट। एचटीपी लिख सकते हो या एसएटीपी लिख सकते हो। अब इन तीनों इक्वेशन को मिलाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन थर्ड है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। तो देखिए इसको मिला के एक इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, सेकंड के अकॉर्डिंग वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और थर्ड के अकॉर्डिंग वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स के। तो ये तीनों लॉ लिखे हैं यहाँ पर, वॉल्यूम प्रेशर बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम टेम्परेचर चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम मोल्स एवोगैड्रो लॉ। तो इन तीनों इक्वेशन को मिला लेंगे हम। तो देखिए ये यहाँ से आ जाएगा पी भी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो आप एक कांस्टेंट आता है आर, तो एन आर टी लिख लो, आर एन टी लिख लो, टी आर एन लिख लो, एन टी आर लिख लो, पर बोलने में अच्छा लगता है पी भी इक्वल एन आर टी, तो ये होता है।
ये है आइडियल गैस इक्वेशन, आप सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर आइडियल सोल्यूशन इक्वेशन, तो वो बिल्कुल सेम होता है, पी की जगह पाई आ जाता है, पाई भी इक्वल एनआरटी होता है वो, जो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे पाई भी, जे होता है प्रेशर ऑफ गैस और वहाँ पाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पी भी इक्वल एनआरटी, वो होता है पाई भी इक्वल एनआरटी। तो यह है आपका, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल ऑफ गैस, मतलब वो एन एक मोल भी हो सकता है, दो मोल भी हो सकते हैं, दस मोल भी हो सकते हैं, 10,000 मोल भी हो सकते हैं। दिस इज आइडियल गैस, दिस इज एन कर लीजिए, दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन, हाँ और भी हो सकते हैं, दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल ऑफ गैस, है ना, इफ एन इक्वल 1 मोल, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल आर टी। तो ये आइडियल गैस कितने गैस कितने मोल गैस के लिए है, 1 मोल गैस के लिए। तो ये है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, वो एन मोल है, ये 1 मोल ऑफ गैस है ना। इसको इक्वेशन मान लीजिए कुछ भी, वो इक्वेशन 1, 2, 3 मान लीजिए, तो इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए, या इक्वेशन ए मान लीजिए, जो भी मानना हो, ठीक है। तो देखिए अब आइडियल गैस इक्वेशन और डेंसिटी में रिलेशन देखेंगे हम, तो यहीं पर लिखेंगे हम, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ अ गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन, एंड आइडियल गैस इक्वेशन रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ अ गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 या वी नो दैट, ऐसा लिख लो वी नो दैट, या फ्रॉम इक्वेशन 4 जो आपको अच्छा लगे, वी नो दैट, हम ये जानते हैं, यही जानते हैं जो लिखा है पी वी इक्वल एन आर टी, ठीक है। अब हम एक चीज़ जो जानते हैं, बिकॉज मोल क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो पी भी इक्वल हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और यहाँ से बचेगा आर टी, मास मोलर मास को यहाँ ले जाओ, वॉल्यूम को नीचे ले जाओ, तो मोलर मास यहाँ और पी तो यहाँ पर है ही है, और यहाँ से बचेगा डब्ल्यू आर टी अपॉन वी। एच पी नो डेट, देखो गैस की डेंसिटी को जनरली रो से प्रेजेंट करते हैं, है ना, रो से, लेकिन रो से कोई मतलब नहीं, कोई भी लगा सकते हो, है ना। तो डेंसिटी ऑफ गैस किसी भी चीज़ की डेंसिटी होगी वो ऐसे ही निकाली जाती है,
मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को स्मॉल एम से भी लिख सकते हो, या फिर आप ये वेट टर्म में उसको लिख दिया हमने, स्मॉल टर्म में मास और मास को वेट टर्म में, तो इसमें मत अच्छा करो कि सन, तो आप स्मॉल एम अपॉन जी भी ले सकते हो। ये मास का मतलब वही होता है, मास इन ग्राम। तो यहाँ आ जाएगी डेंसिटी, तो पी मोलर। आप इसमें से बहुत सारे स्टेप हटा सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो आप, वो तो हम इतना सारा डिटेल में इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, बाकी आप एक साथ इसी स्टेप से डायरेक्ट। हाँ, डब्लू वेट, वेट मास को मेजर कर रहे हैं, वेट में मास अपॉन वॉल्यूम मास। हाँ तो एम लिख दो, फिर यहाँ भी लिख दो एम अपॉन मास, बात तो भाई हुई ना, मास को आप वेट में तो लिखोगे, और किस में लिखोगे, और कोई यूनिट ही नहीं है हमारे पास मास को लिखने की, तो वेट और मास एक ही चीज़ है। अर्थ पे वेट और मास पे कोई फर्क नहीं है, जिसका जितना वेट होगा उतना मास होगा, जितना मास है उतना वेट होगा, तो अर्थ पे कहीं कोई फर्क नहीं है। एटमोसफेयर जब प्रेस आप ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर जाओगे तब मास और वेट में डिफरेंस आएगा, जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा वहाँ मास ज़्यादा होने पर भी वेट कम आएगा, और जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है वहाँ मास कम होने पर भी वेट ज़्यादा आएगा। तो हमें अर्थ पे ही करना है सब कुछ, तो अर्थ पे चाहे मास लिख दो चाहे वेट लिख दो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, और मास एंड वेट में हम डिफरेंस पढ़ा चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में। पी मोलर मास, और यहाँ पर आ जाएगा डी आर टी, मास अपॉन वॉल्यूम की जगह आ जाएगा डी आर टी। ठीक है, तो फर्दर इसको ले जाएं, तो अगर किसी चीज़ की डेंसिटी आपको निकालनी है तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, तो डेंसिटी ऑफ गैस आप निकाल सकते हो, पी पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पता होना चाहिए, टी पता होना चाहिए। हालांकि इस फॉर्मूले का कहीं कोई यूज नहीं होता है, हम एक नया फॉर्मूला बना रहे हैं डेंसिटी का सर, उस फॉर्मूले का बहुत यूज होता है। ठीक है, डी डेंसिटी ऑफ गैस, पी प्रेशर, एम मोलर मास, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, चलिए अब हम आपको वो फॉर्मूला बताते हैं डेंसिटी का, जिससे डेंसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इससे तो नहीं होने वाले सॉल्व डेंसिटी के न्यूमेरिकल, है ना। तो लिखिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल एन आर टी, तो पी वी अपॉन टी इक्वल क्या हो जाएगा एन आर। देखिए एच आर क्या है, गैस कांस्टेंट, आर इज अ गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं उसे, आर इक्वल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, अभी इसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, जहाँ पर हमने प्रूव किया है पी वी इक्वल एन आर टी वहाँ लिख तो लो, वेयर आर इक्वल, जहाँ फर्स्ट बार प्रूव किया है वहाँ लिख लो आर इक्वल यूनिवर्सल गैस। अभी इसकी खूब सारी यूनिट निकाल रहे हैं यार, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, और जहाँ पर निकाला है आइडियल गैस इक्वेशन फर्स्ट टाइम प्रूव किया है, यहाँ लिख लिया वेयर आर इक्वल यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। हाँ बहुत सारी, एक दो तो तुम ही बताओ, एक भी नहीं पता, लिखवाई तो है हमने, लिखवाई नहीं एक भी, लिखवाई ऐसे बीच में कभी आया होगा तो लिखवा दिए होंगे, या हमने पढ़ाते पढ़ाते हम पहुंच गए होंगे इस तक तो लिखवा दिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें बीच में आ जाती है तो हम उसको थोड़ा बहुत बता देते हैं। चलो तो आज बोल भी देते हैं लिखवा भी देते हैं, और कल तुम सुना भी देना। ओके, तो वे आर आर इक्वल यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट वाली, बाकी तो आप जानते ही हो। हाँ, यहाँ पर लिख लो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट लिख लो, बात तो वही है।
एक ही चीज़ है, उसी को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, उसी को गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, और कोई गैस कांस्टेंट है ही नहीं। ओनली वन इज गैस कांस्टेंट, दैट इज आर। एक सोल्यूशन कांस्टेंट आएगा क्लास ट्वेल्थ में, उसकी वैल्यू बिल्कुल गैस कांस्टेंट की जितनी होती है, आर के इक्वल, पी वी इक्वल एन आर टी। सॉलिड सॉलिड कांस्टेंट तो सभी हैं, जितनी भी चीज़ों में सॉलिड कांस्टेंट नहीं होंगे, सॉलिड जो लॉ लगेंगे सॉलिड पे उस पर कांस्टेंट आते हैं, तो वो सॉलिड कांस्टेंट हो गए आपके। जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट हो गया, ये सॉलिड पे चल रहा है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसके लिए कोई अलग से नहीं होता है। आर कांस्टेंट है और मास फिक्स है, तो मूल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गए। एवोगैड्रो लॉ लगा रखे हैं ना इसमें, तो एवोगैड्रो लॉ लगा रखे हैं तो मोल क्या है, कांस्टेंट है। तो पी भी अपॉन टी की वैल्यू भी क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। तो पी वन वी वन टी वन इक्वल टू पी टू वी टू टी टू। ये एक फॉर्मूला है, अब इसको डेंसिटी के रेस्पेक्ट में भी निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पी वी इक्वल एन आर टी से ज़्यादा न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से लगेंगे। तो इसको डेंसिटी से रिलेट कर दो, एच डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो ये किसी, चलो वेट वेट के टर्म में लिख देते हैं, मास मास अपॉन वॉल्यूम है, ऐसे लिख लो मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल कितने, अच्छा सॉरी, तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी और मास तो कांस्टेंट है, क्योंकि मूल कांस्टेंट है, तो मास क्या आएगा, कांस्टेंट। मतलब मूल अगर कांस्टेंट है तो वो तभी कांस्टेंट हो सकते हैं जब मास कांस्टेंट हो। हमने कहा आपका 180 ग्राम मास है, तो उसमें मूल कितने कांस्टेंट आ जाएंगे आपके, आपका 18 से कर दो तो कितने मूल, 80 ग्राम वाटर में कितने मूल होंगे, 10 मूल। अब अगर ये मास बदलेगा तो मूल भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे ना। ये कैसे निकाला हमने, मूल मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो मास कितना है 180, मोलर मास वाटर का कितना है। तो अगर मूल कांस्टेंट तभी आ सकते हैं जब मास कांस्टेंट हो, क्योंकि मोलर मास तो पहले ही से कांस्टेंट रहता है सबका, है ना। तो 180 ग्राम, तो ये आपका मास कांस्टेंट है। तो डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 1/वॉल्यूम के। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी वन टी वन डी वन इक्वल पी टू टी टू डी टू। जी हो गया विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी। देखिए डेंसिटी और वॉल्यूम, तो अगर भी ऊपर है तो इसकी डेंसिटी नीचे आएगी, है ना। तो अगर भी वन है तो इसकी डेंसिटी डी वन नीचे होगी, तो भी वन की यहाँ आ जाएगी डी वन, और ये वैल्यू एन आर आ रही है, तो पी टू टी टू डी टू एन आर। डालिए हेडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ आर एंड डेफिनेशन ऑफ आर। आर अलग से पूछा जा सकता है बच्चों आपके में, दो नंबर में, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तीनों लॉ को मिला के आया है, एक एक कॉम्बिनेशन कांस्टेंट है, कोई पर्टिकुलर एक गैस लॉ किसी ने दिया नहीं है, तीनों लॉ को मिला के बनाए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
वी नो दैट। वी नो दैट, हम ये जानते हैं। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल, देखिए आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करिए करिए, तो आप ये बहुत सारी लैंग्वेज अवॉइड कर सकते हो और ऐड कर सकते हो। अब आपको बहुत मतलब मान लो आपको इक्वेशन लिखने हैं, अब बहुत बड़ा अपना लिखना करने तो लैंग्वेज लिखोगे तो टाइम तो दो नंबर में आए तो आप पूरा इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, लैंग्वेज अवॉइड कर दीजिए। लेकिन पाँच नंबर में आए तो फिर बहुत डिटेल में लिखिए, हर एक चीज़ बताते हुए लिखिए, है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखने में अगर एग्जाम में आ जाए तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको पूरा इक्वेशन डिराइव करने में और ये सब कुछ बताने में आपके। वी नो दैट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, हम आइडियल गैस इक्वेशन से जानते हैं CV equal mRT। तो R का सिग्निफिकेंस निकालना है, R मतलब यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, तो R इक्वल हो जाएगा CV upon mRT। ठीक है, अभी इसकी बहुत सारी यूनिट्स निकालेंगे आर की, ठीक है। तो पहले अब आर को डिफाइन कर लेते हैं। तो आर इक्वल प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये एरिया, ये वॉल्यूम, ये मोल और ये टेम्परेचर, ठीक है। तो आर इक्वल फोर्स एरिया को अगर मीटर में मीजर कर रहे हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में मीजर कर रहे हो सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ में मीजर कर रहे हो मतलब लेंथ तो मीजर तो नहीं करोगे, लेंथ का स्क्वायर बोल सकते हैं हम, एरिया को बोल सकते हैं ना लेंथ का स्क्वायर, या जो भी आप बोलना चाहो मीटर स्क्वायर बोल दो, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ का स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ का क्यू हो गया, ठीक है। और ए हो गए आपके मोल, और ये हो गया टेम्परेचर, तो ये हो गया मोल और ये हो गया टेम्परेचर, ये टू से टू कैंसिल, तो ये हो जाएगा फोर्स, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगी लेंथ, फोर्स इनटू लेंथ, और यहाँ आ जाएगा मोल और इनटू टेम्परेचर, मोल इनटू टेम्परेचर, मोल इनटू टेम्परेचर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल वर्क, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल वर्क। तो R इक्वल हो जाएगा वर्क डन ऑन अ पर मोल एट पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में लिख सकते हो, दिस इज द R। तो R की डेफिनेशन देख लीजिए, दस R दैट मीन यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, दैट दस यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, दस यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट R is defined as work done, work done on a per mole, on a per mole at a पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। पर डिग्री का मतलब है एक डिग्री बढ़ा, दो डिग्री बढ़ा, है ना, डिग्री सेल्सियस नहीं है यहाँ का मतलब, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर।